और आत्मा है कौन? परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है वो दिखाया जा रहा है, और वो किस तरीके से प्रकट हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसका प्रगटीकरण जो है वो दिखाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में, और प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंड हैं, जिसमें से दूसरे खंड के विषय में हम बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पर। हम सीख रहे हैं सर्दिस की कलीसिया के बारे में। सर्दिस की कलीसिया के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी बाइबल से निकालना चाहते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:1-6 तक आप निकाल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पिछले संदेश में सर्दिस की कलीसिया के बारे में हमने 4 पॉइंट के विषय में सीखा था। कलीसिया का नाम या परिचय, सर्दिस की कलीसिया का नाम का जो अर्थ है वो क्या था, सर्दिस की कलीसिया का समय काल, और कलीसिया के दूत का नाम। आज हम सर्दिस की कलीसिया के 5वें पॉइंट के बारे में, अर्थात दूत के समक्ष यानी दूत के सामने प्रभु यीशु मसीह का परिचय, इस पॉइंट पे बातचीत करेंगे। पहले हम इस पॉइंट के लिए इस पद को पढ़ लेते हैं। आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 उसका पहला पद, सर्दिस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। देखिए यहां पर जो है 2 भाग है। पहला कि मुझ दूत के समक्ष जो मसीह का विवरण है वो उसके बारे में है, और दूत के काम के बारे में। परंतु हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, यानी दूत के समक्ष जो है मसीह का जो विवरण है, मसीह का जो परिचय है, उसके बारे में जो है वो हम समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। क्या है कि जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, अर्थात 7 आत्माएं और 7 तारे यीशु मसीह के अधिकार में हैं। तो पहले हम यीशु मसीह के इस परिचय के बारे में जान लेंगे, 7 आत्माएं क्या है और 7 तारे क्या है, इनको जानना। देखिए जब तक हम आप एक चीज देगा, 7 कलीसियाओं को जब आप पढ़ेंगे ना, तो 7 कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह का जो विवरण है, जो परिचय है, वो अलग अलग रूपों में दिखाया जा रहा है। क्यों? ये यही तो गहराई है, यही तो समझना है हमें कि परमेश्वर हर युग में प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग परिचय जो है दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? सर्दिस की कलीसिया के बारे में क्या है कि जिसके हाथ में 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वो क्या है? 7 आत्माएं क्या है? जब आप प्रकाशित वाक्य 1 उसके 4 पद को आप पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, योना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है। ठीक है, परमेश्वर का जो प्रकाशित है, जो प्रकाशन है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, वो जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा ही नहीं दिया गया, बल्कि उन 7 आत्माओं के द्वारा भी लिखाया गया है या दिया गया है या समझाया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिखाया गया है सर्दिस की कलीसिया को, और वो ये बताना चाहता है कि वो है क्या। तो इसको अच्छे से समझे कि किसकी ओर से प्रकाशन मिल रहा है। ठीक है, किसकी ओर से? देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, पहली यूहन्ना की ओर से, दूसरा जो है अर्थात पवित्र आत्मा की ओर से, तीसरा जो था अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा की ओर से, और चौथा जो आने वाला है न्यायकर्ता यीशु मसीह की ओर से, और 5वां उन 7 आत्माओं की ओर से, यानी जो 7 आत्माएं अब ये कौन है, इनके बारे में जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ज्यादा नहीं मगर कुछ बातें जो है वो हम जरूर सीखेंगे। आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 4 उसका 5वां पद, यहां लिखा है उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अब देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो 7 दीपक जो है वो जल रहे हैं, और ये 7 दीपक जो है ये क्या है, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं,
जब आप जकरिया उसका 4 अध्याय और 10 पद को पढ़ेंगे तो जकरिया भी वहां पर क्या देख रहा है, वहां दर्शन देख रहा है कि वो परमेश्वर के 7 दीपक देखता है। अब वो जो जकरिया है वो क्या वर्णन कर रहा है, वो इस बात का वर्णन कर रहा है कि ये जो परमेश्वर के जो 7 दीपक हैं, ये 7 आत्माएं जो हैं, ये परमेश्वर की 7 आंखें हैं जो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है दृष्टि किए रहती हैं और पृथ्वी को देखती रहती है हर कोने से। कोई भी कोना पृथ्वी का जो है, कोई भी लोग जो है, वो परमेश्वर की निगाहों से छुप नहीं सकते हैं। जो जकरिया जिस बात का जो है वो वर्णन कर रहा है, 7 दीपकों का अर्थ जो है उनका स्थान जो था, इन 7 दीपकों का स्थान, जब आप परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा तंबू बनाया, जब आप उस तंबू के विषय में बात करेंगे तो वहां पर जो है तंबू के अंदर जो था, जो पवित्र स्थान था, देखिए 3 खंड थे उसके, एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था और एक महापवित्र स्थान था। तो पवित्र स्थान में जो था वो 7 दीपक जो थे वो रखे होते थे, और 7 दीपक किसके ऊपर रखे होते थे, 7 दीवट के ऊपर। जी हाँ, 7 दीवट के ऊपर जो थे वो 7 दीपक रखे होते थे, जो शाम से लेकर और भोर तक जो है प्रत्येक दिन जलते थे। जी हाँ, ये परमेश्वर के सामने, और यही दर्शन जो है ये स्वर्ग के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि जो पवित्र स्थान है उसके अंदर 7 दीपक किसके सामने जल रहे हैं, वो उस सिंहासन के सामने। और सिंहासन किसका, यानी मेमने के सिंहासन के सामने की बात हो रही है। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं करूंगा, मगर मैं रेफरेंस आपको दे दे रहा हूं, आप रेफरेंस जो है वो नोट कर सकते हैं इन दीपक के बारे में या दीपक के बारे में। निर्गमन 25:37, निर्गमन 27:20, निर्गमन 40:25। और जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके अनुसार दीवट जो है 7 कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में दीवट के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, ये ध्यान देखिए, जो कलीसियाएं हैं वो कलीसिया किसके रूप में दिखाई दे रही है, दीवट के रूप में, और उस कलीसिया यानी दीवट के रूप में दिखाई दे रही है, और दीवट के ऊपर क्या है, दीपक है, यानी परमेश्वर की जो आत्मा है, यानी हर एक कलीसिया जो है वो दीवट है। 7 कलीसियाएं, 7ों कलीसियाएं दीवट का काम कर रही हैं, और उन दीवट के ऊपर जो है परमेश्वर का आत्मा विराजमान है। ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से परमेश्वर का काम देखने को मिल रहा है कि परमेश्वर हर कलीसिया को जो है आत्मा के साथ जोड़ रहा है, आत्मा से अलग निकाल, हर युग में जो है परमेश्वर के आत्मा ने काम करा है, हर युग में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। ये 7 कलीसिया 7 युग हैं, 7ों युग में परमेश्वर का आत्मा जो है वो कार्य करता है कलीसिया के बीच के अंदर। अब प्रकाशित वाक्य 1:4, प्रकाशित वाक्य 3:1, प्रकाशित वाक्य 4:5 में आप 7 दीवट के बारे में जो 7 आत्माओं को दिखाता है आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एफिसियों 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ना चाहूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मैं मेन जो पॉइंट है उसके अंदर वो पढ़ना चाहता हूं। एफिसियों 4:4 में यहां लिखा कि अनुसार एक ही देह है, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। ध्यान करें कि एक ही देह है यानी एक ही आत्मा, वो एक आत्मा जो है 7ों रूप में जो है अलग अलग समय में प्रकट होता है। और आत्मा है कौन, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है वो दिखाया जा रहा है, और वो किस तरीके से प्रगट हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसका प्रगटीकरण जो है वो दिखाया जा रहा है। यानी परमेश्वर का प्रगट होना जो है हर युग में हर कलीसिया के बीच में जो है वो हो रहा है, और इसको समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी जकरिया 4 अध्याय उसका 2 पद और उसके 10 पद का जो है जिक्र किया था, उसके अनुसार जो है 7 दीपक जो है परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर लगी रहती हैं। ध्यान दीजिएगा, सारी पृथ्वी पर लगी रहती हैं, प्रत्येक मनुष्य के सारे चाल चलन को देखती रहती हैं। यही 7 आंखें जो हैं 7 दीवट हैं जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में, चाहे पृथ्वी पर था तंबू के रूप में या सुलेमान के द्वारा बनाया गया या परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में है पवित्र स्थान, उनके बारे में है कि 7 आत्माएं जो है, और प्रत्येक समय में आकर जो है वो आत्मा जो है वो क्या करती है, लोगों का मार्गदर्शन करती है, है? परमेश्वर का जो आत्मा है वो लोगों का मार्गदर्शन करती है। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 पद जो है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यूहन्ना 16:13
बड़ा ध्यान से सुनिएगा, योना 16 का 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब यहां प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। और फिर एक बात और भी है, वो क्या कह रहा है कि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि किसकी ओर से कहेगा, वो परमेश्वर की ओर से कहेगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो बातें बताएगा कि जो प्रभु कह रहा, आत्मा वही बोलेगा जो परमेश्वर ने चाहा, जो परमेश्वर की इच्छा हुई है, और वही प्रकट करेगा कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। और इसलिए आत्मा में होकर ही हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है सातों कलीसियाओं यानी सातों युगों में सातों समय में परमेश्वर का आत्मा क्यों कार्य कर रहा है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हर युग के लोगों के अंदर परमेश्वर की इच्छा को बता सके, बैठा सके, और हर एक जन परमेश्वर की आत्मा में आकर परमेश्वर की इच्छा को जाने और उस इच्छा को पूरा करें। ये कारण है, और इसलिए वो कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है कि आत्मा वही बात बताएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात परमेश्वर ने कही है। और ये बातें हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप इन सात आत्माओं के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर की ये सात आत्माएं काम कैसे करती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। सात तारे यानी प्रकाशित वाक्य 1:20 के अनुसार जो है सात तारे सात कलीसिया के क्या है, ये दूत हैं। जी हाँ, सात कलीसिया के दूत हैं। और इन सात कलीसियाओं के दूत के साथ कौन काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। वो प्रकट कर रहा है कि हर एक युग में उस दूत के ऊपर ये प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो अपने लोगों को बता, अपने लोगों को बता कि परमेश्वर की यह इच्छा है और इनको आपको पूरा करना है। और अगर उस युग के दूत ने या उसके समय के लोगों ने पूरा नहीं करा है तो परमेश्वर नाराज हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे विरोध में हूं और मुझे तेरे विरोध में यह कहना है, और यह सोच ले कि जब मैं न्याय करूंगा तो इसका दंड तुझे दूंगा, तेरे लोगों को दूंगा। इसलिए परिचय जानना जरूरी है प्रभु यीशु कि उसके हाथ में क्या है, उसका परिणाम जो है क्या निकल कर आता है, और प्रभु हमें क्या देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है प्रभु यीशु मसीह का परिचय जो जानना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।